अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज का लेक्चर है नंबर 42 और इसमें हम कंटिन्यू करेंगे सिंक्रोनस काउंटर्स को। और ये लेक्चर बेसिकली मुझे आज सुबह लेना था, लेकिन मैं सुबह नहीं ले सका इसे क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट का वाइवा कंडक्ट कर रहे थे, तो आई नीड एन एक्स्ट्रा सेशन फॉर दैट। तो इसको मैं एसिंक्रोनस मोड में रिकॉर्ड करूँ और आपको ये हमारे क्लासरूम से भी मिल जाएगा और इसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूँगा। और जहाँ तक रही बात अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस जो मैंने आप लोगों की सुबह सेशन में ली थी, तो मैं उसी को फॉलो करूँगा और वही अटेंडेंस इस सेशन के लिए मैं मार्क करूँगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर नंबर 42 है हमारा और इसमें स्पेसिफिक टॉपिक जो है हमारे पास वो है सिंक्रोनस अप डाउन काउंटर। ठीक है, अच्छा, सिंक्रोनस अप डाउन काउंटर से पहले एक कंटिन्यूएशन में एग्जाम्पल है, लास्ट लेक्चर से ही रिलेटेड थी लेकिन लेंथी होने की वजह से लास्ट लेक्चर में ये रह गई थी। तो ये क्या है कि हमारे पास कह रहे हैं कि सिंक्रोनस है बीसीडी काउंटर। लास्ट टाइम हमने एग्जांपल की थी बिल्कुल सिंक्रोनस बीसीडी काउंटर ही की थी, लेकिन वो यूजिंग हमारे पास जे के फ्लिप फ्लॉप थी। तो हमारे पास यहाँ पे ये वही एग्जांपल को समझ लें, हमने रीडू किया हुआ यूजिंग टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन भी बिल्कुल वैसे ही होगा, स्टेप सारे वही होंगे। और जैसे कि बीसीडी काउंटर की बात कर रहे हैं तो इसमें भी 10 to 15 वाले जो स्टेट हैं, यानी 10 से लेकर ऑनवर्ड 15 तक की जो स्टेट्स आएंगी वो इसमें मेंशन नहीं हुई हुई, लेकिन वही बात है कि उसको हम क्या कंसिडर कर लेंगे, सब जगह पे क्या कंसिडर कर लेंगे, उसे हम उसे डोंट केयर कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, एक्स कंसिडर करके ये सोल्यूशन सॉल्व किया गया। आप डोंट केयर रखेंगे तो आपको पता है कि के एम एप में पूरे 16 कॉम्बिनेशन चाहिए, 4 बिट का है, तो हम 10 कॉम्बिनेशन से तो के एम एप सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसकी भी वही लास्ट वैल्यू 10, 11, 12, 13, 14 वाले सेल्स में क्या आ जाएगा, डोंट केयर आ जाएगा। तो डोंट केयर रखते हुए आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई होके आपके पास जो है इक्वेशंस आ जाएंगे इसको बिल्कुल वैसे ही। बस इसमें फ़र्क क्या आएगा कि आपको वहाँ पे के मैप जो बनाने पड़े थे वो बनाने पड़े थे 8, क्योंकि इसमें जे के लिए अलग, के लिए अलग था, तो 4 थी 4 के बजाय हमें 8 के मैप बनाने पड़े। जबकि ये एग्जाम्पल रिलेटिवली शॉर्टर होगी क्योंकि इसमें टी फ्लिप फ्लॉप और टी फ्लिप फ्लॉप में एक इनपुट होता है टी, तो आपने सिंपली क्या करना पड़ेगा, 4 के एम एफ बनेंगे और आपके पास 4 सिंप्लीफाइड इक्वेशंस आ जाएंगी। और ये थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ कि ये हिस्सा जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा जो था, जैसे कि हमने बताया खुद ही हमने डिसाइड कर रखा है प्रेजेंट स्टेट ये है, तो नेक्स्ट वही बात जस्ट एक इंक्रीमेंट वाली आने वाली है, 0 के आगे 1 है, 1 के आगे 2 है, 2 के आगे 3 एंड सो ऑन, हमने अपनी स्टेट डायग्राम से कन्वर्ट कर दिया। और ये एक्स्ट्रा आउटपुट रखा है वाई, और ये वाई को सिर्फ हम तभी 1 करते हैं जब हमारा काउंटर क्या होता है, अपनी साइकिल कंप्लीट कर लेता है। यानी कि जब आप स्टेट, आपकी प्रेजेंट स्टेट क्या होती है, 9, प्रेजेंट स्टेट 9 का मतलब ये होता है कि आपने पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया है। इसका फायदा क्या होगा कि यहाँ पे मैं 1 कर रहा हूँ, इस आउटपुट को मैं यूज कर सकता हूँ फॉर कैस्केडिंग पर्पस। यानी एक डिकेड काउंटर अपनी साइकिल पूरी करता है और आगे मैंने कैस्केड करना है किसी चीज को, दूसरे काउंटर को इंक्रीमेंट करना है, तो मैं इस पिन के थ्रू कर सकता हूँ कि ये नॉर्मली 0 होगा, लेकिन जैसे ही मेरा डिकेड काउंटर एक साइकिल पूरी करेगा ये एक पल्स जनरेट कर देगा 0 से 1 और फिर दोबारा 0 हो जाएगा, तो आगे वाले काउंटर को एक पल्स मिल जाएगी। तो ये कैस्केडिंग के लिए यूजफुल है। और टी फ्लिप फ्लॉप वैसे ही हमने बिल्कुल फिल किए, टी फ्लिप फ्लॉप का वही हमने चेक किया कंपेयर कैसे, इसको 0 चेक किया, इसको 0 चेक किया, दोनों सेम है तो इसका मतलब टॉगल नहीं हो रही थी, तो मैंने यहाँ 0 ही प्लेस कर दिया। इसी तरह मैंने इसको चेक किया, ये 0 है, ये भी 0 है, सेम है, तो इस केस में भी मैंने 0 ही रख दिया क्योंकि टॉगल नहीं हो रही। इस केस में भी चेक किया, 0 है, इस केस में भी 0 है, टॉगल नहीं हो रही थी, तो मैंने इधर भी 0 प्लेस किया। और इसी तरह फिर यहाँ 0 है लेकिन यहाँ पे चेंज हो गया है, आउटपुट 1 हो गया, इसका मतलब है कि टी मेरा टॉगल मोड में। इसी तरह वही जैसे हमने पिछले केस में टेबल फिल किए हैं, एक्साइटेशन टेबल देखते हुए पूरा का पूरा टेबल आप इसे फिल कर लेंगे। ठीक है, तो ये 10 तक फिल होगा और उसके आगे तो आपको पता है सब क्या हो जाएंगे, डोंट केयर रिज्यूम कर लेंगे, हमने सबको क्या रिज्यूम कर लिया, डोंट केयर रिज्यूम कर लिया। अब अगर डोंट केयर रिज्यूम कर लिया तो हमारा सोल्यूशन जो है काफ़ी सिंप्लीफाइड हो जाएगा। और सोल्यूशन में क्या होगा, सॉल्व करने के बाद इवेंचुअली क्या होगा, के मैप्स मैंने यहाँ पे नहीं दिए हुए क्योंकि आपको सॉल्व करना ऑलरेडी आते हैं, तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिखी हुई है उसकी इक्वेशन। ठीक है, तो टी नॉट के पास इक्वेशन सिंपली 1 आएगी। ठीक है, क्यों 1 आई आप देख भी सकते हैं पीछे, टी 1 के अंदर सारे के सारे 1 आए हुए हैं, और मैं डोंट केयर लगा दूंगा तो डोंट केयर को भी मैं 1 ही कंसिडर करते हुए पूरा सर्कल कर दूंगा तो 16 के 16 कवर हो जाएंगे, इसलिए टी नॉट में मेरे पास 1 आया हुआ है। और टी 1 की Q3 बार डॉट क्यू नॉट आया हुआ है, टी 2 में Q1 क्यू नॉट आया हुआ है, और टी 3 में Q2 Q1 क्यू नॉट एंड हो रहा है, और इसमें फिर और हो रहा है फाइनली Q3 Q0 से। और जब इक्वेशन आ जाएंगी तो फाइनली आप ये नीचे एक डायग्राम बनी हुई इसे
बना सकते हैं। तो यही वही सेम एग्जांपल जो लास्ट टाइम हमने जे के फ्लिप फ्लॉप से की थी, इसमें हम क्या कर रहे हैं, टी फ्लिप फ्लॉप कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम एग्जांपल है, कुछ नहीं है, स्टेप्स सब वही फॉलो होंगे, बस फ्लिप फ्लॉप चेंज है। तो फ्लिप फ्लॉप चेंज होने के साथ आपका सोल्यूशन थोड़ा बहुत वेरी करेगा, लेकिन स्टेप और सीक्वेंस रिमेन्स सेम। ठीक, तो इसमें सच कोई क्यूरी होनी नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं आज के असल टॉपिक। तो अप डाउन काउंटर क्या होता है? अप डाउन सिंक्रोनस काउंटर का मतलब है कि एक ऐसा काउंटर जो बाय डायरेक्शनल मोड में ऑपरेट कर सकता है, यानी सेम काउंटर को आप अप सीक्वेंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन। अच्छा, यहाँ पे 3 बिट का लिया हुआ है तो हमने 7 तक काउंटिंग लिखी है, और वही बात है अगर इसको डाउन सीक्वेंस में चला देंगे तो जो भी इसके प्रेजेंट सीक्वेंस है उसमें -1 होना शुरू हो जाएगा, यानी अगर मैं 7 पे तो 7 से 6, 6 पे था तो 6 से 5, 5 पे था तो 5 से 4 एंड सो ऑन। तो अप डाउन काउंटर कोई इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा इनपुट है, ठीक है, और उस इनपुट को आप कह रहे हैं अप, ठीक है, अप करा हुआ है, अप पे बार नहीं है लेकिन डाउन पे बार लगा हुआ है। अप डाउन वाली पिन है ये सिंपली वही मल्टीप्लेक्स पिन है जैसे हमने पहले भी यूज़ की, ठीक, कि अप यानी 1 अप्लाई करता हूँ तो काउंटर किस मोड में चल रहा होगा, अपवर्ड यानी इंक्रीमेंटल होगा, आगे बढ़ रहा होगा अप काउंटर, और अगर मैं बार यानी 0 अप्लाई कर देता हूँ तो ये डाउन मोड सेलेक्ट हो जाएगा, डाउन मोड सेलेक्ट होने के बाद काउंटर आपका डिक्रीमेंटल या डाउनवर्ड चलेगा, यानी रिवर्स में काउंटिंग। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे जो टेबल गिवन है वो पार्शियल गिवन है, इसमें अप डाउन वाला कॉलम नहीं है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके पास एक और कॉलम आएगा इधर, कौन सा वाला, यही वाला अप वाला, आप कह रहे हैं डाउन, और इस कॉलम में भी आप वैल्यूज पुट करेंगे। खासियत है कि एक इनपुट है और 3 स्टेट्स हैं, तो टोटल 4 बिट का आपके पास पूरा एग्जाम्पल बन जाएगी, एग्जाम्पल विल बिकम 4 बिट एग्जाम्पल है। ठीक है, जब ये 4 बिट की एग्जाम्पल है तो 4 बिट की एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करने के लिए जब आप के मैप बनाएंगे तो वो 16 सेल वाला बनेगा। ठीक है, मैं पार्शली से कम्प्लीट कर देता हूँ। अब इनिशियली क्या रहेगा, 8 times 0 आएगा हर कॉम्बिनेशन के साथ, पहले आपकी वैल्यू 0 आ रही होगी, ठीक है, आपकी वैल्यू हर मरतबा 0 आ रही होगी, और फिर अगली मरतबा यही टेबल बिल्कुल नीचे डिट टू रिपीट हो रहा होगा, लेकिन इसमें आपकी वैल्यू 1 आ रही होगी। ठीक है, तो जब आपकी वैल्यू 0 है और मैं 0, 0, 0 स्टेट पर हूँ, तो आपकी वैल्यू 0 मैंने क्या बताया था, ये डाउन काउंटर है। तो डाउन काउंटर का मतलब क्या है कि अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट 0 है तो नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या आ जाएगी, डाउन होने की वजह से रह पा रहा हूँ, 7 आ रही होगी। ठीक है, 1 पे हूँ, 1 से अगर मैं करूँ तो नेक्स्ट स्टेट मेरी क्या आनी चाहिए, चूंकि डाउन काउंटर मोड में है तो 1 पे 0 आ जाएगा, 2 पर 1 आ जाएगा, 3 पर 2 आ जाएगा, और 4 पर 3 आ जाएगा, 5 पर 4 आ जाएगा इसी तरह, और 6 पे 5 आ जाएगा, और 7 पे 6। तो आप देख सकते हैं डाउन काउंटर की सीक्वेंस यही बनेगी, मैंने डेसिमल में लिखी है, आप जब अपनी नेक्स्ट स्टेट का टेबल बनाएंगे तो आप बाइनरी में लिखेंगे बिल्कुल वैसी जैसे प्रीवियसली लिखी है। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए आपको एक रफ आइडिया दे दिया कि टेबल इस तरीके से बनेगा, और सिमिलरली जब सब जगह आपकी वैल्यू वहाँ 1, 1, 1, 1 होंगी तो वो भी बता देता हूँ। से अगर मैं नीचे वाला हिस्सा टेबल का बताना चाहूँ ये तो हो गया, ऊपर वाला हिस्सा जब आपकी वैल्यू 0 है, और सेकंड हाफ जो है उसका कैसे होगा, तो सेकंड हाफ में क्या है, यहाँ पे आपकी हर जगह वैल्यू क्या आ रही होगी, 1, 1, 1 आ रही होगी। तो जब 1, 1, 1 आ रही होगी, इधर भी 1 है, 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 और लास्ट में भी 1 है। तो जब सब 1 आ रही होगी तो मेरा मोड क्या सेलेक्ट हो गया, अपवर्ड मोड सेट हो गया। अपवर्ड मोड सेलेक्ट होने का मतलब क्या है कि 0 पे अगर मैं अप काउंटर चलाऊंगा तो नेक्स्ट पॉसिबल स्टेट मेरी क्या आएगी, 1, वही बिल्कुल वैसी 1 पे चलाऊंगा तो 2, 2 एंड 2 के बाद आ रही होगी स्टेट 3, 3 के बाद आ रही होगी 4, 4 के बाद आ रही होगी 5, 5 के बाद आ रही होगी 6, ठीक है, 6 के बाद आ रही होगी 7, और 7 वाली स्टेट पे एक्चुअली क्या आ रहा होगा, जब मैं इसे इंक्रीमेंट करूंगा तो 0 आ जाएगा, बिल्कुल वैसी जैसे मेरा अप काउंटर काम करता है। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने डेसिमल में लिख के बताया आपको, आप जब इसकी नेक्स्ट स्टेट का टेबल बनाएंगे तो डेसिमल में नहीं बल्कि बाइनरी कोड लिखेंगे। और यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप मैंने कौन सी यूज़ करी हुई है, आप इक्वेशन से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे टी फ्लिप फ्लॉप यूज़ की गई। तो आप अपना पूरा का पूरा टेबल बनाएंगे, पहले टेबल से पहले बल्कि आप बनाएंगे स्टेट डायग्राम, और स्टेट डायग्राम में आप क्लियरली मैंशन करेंगे कि इनपुट है कि, ठीक है, अप एंड डाउन इज लाइक एक्स, जैसे हम एक्स कंसिडर करते थे ना, तो एक्स की वैल्यू 0 पे क्या होना चाहिए, एक्स वैल्यू 1 पे क्या होना चाहिए, तो इट्स लाइक अ नंबर व्हील की तरह का बना होगा। अगर अप वाली वैल्यू 0, 0 आ रही होंगी तो मैं रिवर्स डायरेक्शन में, या यूं कह लें एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होंगे मेरे एरोस, और स्टेट डायग्राम में अगर मेरा अप की वैल्यू 1 आ रही होगी तो सारे के सारे एरोस क्लॉकवाइज मूव कर रहे होंगे। ठीक,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएंगी, टी नॉट में सिर्फ वन आ रहा है और टी क्यू वन में आ रहा है ये कि आपका सिग्नल के साथ क्यू नॉट चला जाएगा या फिर आपके बार यानी डाउन के लिए क्या जाएगा, क्यू नॉट का बार चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह नीचे जब आपकी बात करें कह रहे हैं क्यू नॉट और क्यू वन का बार जाएगा, लेकिन आपका कॉम्प्लीमेंट हुआ तो क्यू नॉट और क्यू वन दोनों का भी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, सॉर्ट ऑफ एक बात समझ में आ रही है कि ये वाला हिस्सा जो है ना ये मेरा इंक्रीमेंटल के हैं, यानी या तो मेरा काउंटर इस मोड में चलेगा या ये इंक्रीमेंटल के लिए, या तो फिर मेरा काउंटर इस वाले मोड में चलेगा जो कि डिक्रीमेंटल सीक्वेंस है, क्योंकि इसमें आपकी वैल्यू पे क्या आया हुआ है, बार आया हुआ है। तो ये दो पार्ट जो हैं दोनों इक्वेशन में, ये डाउन की सीक्वेंस के लिए हैं और ये वाले जो पार्ट हैं फर्स्ट वाले ये जो हैं आपकी सीक्वेंस के लिए यानी इंक्रीमेंटल के लिए। ठीक, होपफुली बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में नहीं ले सकता क्योंकि ये सिंक्रोनस मोड है, तो इतना मुश्किल नहीं है, आप समझ जाएंगे। और अगर कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे ग्रुप पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है आगे। इसमें हमारे पास है ये हुआ हुआ है, इक्वेशन से डायग्राम बना दी, तो डायग्राम भी देख के आपको अंदाजा हो रहा होगा बहुत सिंपल। और अगर इस डायग्राम को आप कोरिलेट करेंगे, जो पहले हमने काउंटर्स पढ़े थे सिंक्रोनस, तो ये उससे मिलती जुलती इक्वेशन ही, यानी अप वाला पार्ट जो है ना, अगर इस डाउन वाले पार्ट को हटा दूं मैं, इसको यहाँ से एलिमिनेट कर दूं, तो ये तीनों इक्वेशन आप पहले कर चुके हैं। ठीक है, उसमें क्यू नॉट और क्यू वन का बार आ रहा था, अब तो वहां था ही नहीं, अप और डाउन जैसी कोई चीज नहीं थी। तो अगर आप कोरिलेट करें 3 बिट का अप काउंटर, तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली सेम एज दोज है। ठीक है, बिल्कुल वही सेम इक्वेशन है, अप होगा ही नहीं उधर क्योंकि अब वहां पे तो सिलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन है तो सिंपली ये सिलेक्शन इसके साथ एंड हो गया, और एंड हो रहा है तो एक मोड में ये अप में चल रहा है तो दूसरे मोड में ये डाउन में चलेगा। ठीक है, डायग्राम बड़े सिंपल से, इसमें क्यू नॉट के साथ हो रहा है और इसमें क्यू नॉट क्यू वन दोनों का एंड हो रहा है। नीचे देखा जाए तो ये मैंने ये बबल लगा दिया, इन्वर्ट कर दिया, यानी इसका मतलब क्या है कि ये कब इनेबल होगा, जब यहाँ पे 0 आ रहा होगा, यहाँ पे 0 आएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 आ जाएगा तो ये सिंपली क्यू नॉट के बार को आगे फेड करेगा और क्यू नॉट के बार के साथ साथ इधर क्यू वन को, और सिंपली इस तरीके से कनेक्ट होगा। एल एस बी और एम एस बी यहाँ पे मैंशन हुआ भाई, ये आपकी एल एस बी है, ठीक है, और ये आपकी एम एस बी है। ठीक है, तो होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आप लोगों को, तो इसको ट्राई कीजिएगा। तो काफी आसान टॉपिक है, कुछ नहीं होता, आप बस एक एडिशनल सेलेक्ट लाइन लगा देते हैं जो सेलेक्ट करती है कि काउंटर की सीक्वेंस क्या होगी, अपवर्ड चलेगा या डाउनवर्ड चलेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने शिफ्ट रजिस्टर में पढ़ा था ना, शिफ्ट करेगा या लोड करेगा, दो सेपरेट पाथ दे देते हैं, या तो ये वाला पाथ ऑन होगा या तो ये वाला पाथ ऑन होगा, तो अप वाली पिन पे 1 आने पे कोई एक अप वाला पाथ ऑन होगा, 0 आने पे डाउन वाला पाथ ऑन होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेनेशन इतनी काफी होगी। फिर आपके पास एक और एग्जांपल है, 3 बिट का ग्रे कोड काउंटर। ग्रे कोड काउंटर क्या है, ग्रे कोड से आप अच्छे से फेमिलियर हैं, एक तरीका होता है ग्रे कोड कैलकुलेट करने का। तो ग्रे कोड वैसे होते हैं कि जो कि सिंगल बिट डिफरेंस पे होते हैं, अब तो अच्छे से आप फेमिलियर हो चुके होंगे कि के मैप में ये यूज होते हैं। ठीक है, इससे हमारा वो यूनिफाइंग थ्योरम जो है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है सिंगल बिट चेंज। तो ग्रे कोड की सीक्वेंस मुझे अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टेट डायग्राम क्लियरली बता रही है कि मेरी ग्रे कोडेड सीक्वेंस क्या होती है, पहले 0 0 आता है, यानी पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर 2 आता है, फिर 6 का कोड आता है, फिर 7 का कोड आता है, फिर 5 का कोड आता है, और देन लास्ट में 4 का कोड आता है। ठीक है, बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन के हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा। ठीक है, इसको एक आप देख सकते हैं चैप्टर 2 के बिल्कुल लास्ट टॉपिक्स में से है कि बाइनरी कोड को ग्रे में कन्वर्ट करते कैसे हैं। तो आप हर बाइनरी कोड को अगर उस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो रिस्पेक्टिव ग्रे कोड आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसमें जोर ग्रेट यूज होता है। ठीक है, तो उससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ा सा रिकैप के लिए मैं बता देता हूँ, कोई भी रैंडम कोड पिक कर लेता हूँ, उसे मैंने पिक किया 101, तो 101 अगर बाइनरी है, ठीक है, तो इसका ग्रे कोड कैसे कैलकुलेट होगा, इस बिट को तो मैं एज इट इज नीचे ले आऊंगा। ठीक है, ये बिट एज इट इज नीचे आ जाती है 1। ठीक है, और नेक्स्ट बिट के लिए इन दोनों बिट्स के दरमियान, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड के दरमियान मैं क्या करता हूँ, ये दोनों बिट्स के दरमियान थोड़ा सा बल्कि मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए, मैं इन दोनों बिट्स के लिए, इस बिट के लिए और इस बिट के साथ जोर करता हूँ। तो इन दोनों बिट्स को अगर मैं जोर करूँगा तो क्या आना चाहिए, जी क्लास,
इन दोनों बिट को जोर करूंगा तो क्या आएगा? वन जीरो का जोर आता है मेरे पास वन, और जीरो वन का जोर आता है। मैं कुछ मिस कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं हूँ कहाँ पे? फाइव, फाइव के बाद जो कोड आएगा वो वन वन। आई थिंक मैं कुछ मिस कर रहा हूँ इसमें, आप लोग काइंडली चेक कर लीजिएगा जोर का फॉर्मूला। मुझे तो याद पड़ रहा यही था कि 101 का मैं अगेंस्ट जो कोड लिखूँगा वो यही आना चाहिए। 000 का तो ठीक है, आई थिंक मैं कुछ मिस कर रहा हूँ इधर। ठीक है, तो आप थोड़ा सा रिविजिट कर लीजिएगा, मुझे भी थोड़ा याद नहीं आ रहा कि ग्रे कोड कन्वर्ट करने का फॉर्मूला, क्योंकि रिवर्स फार्मूला भी था, मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने रिवर्स वाला अप्लाई कर दिया है। तो रिवर्स अप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास, हाँ मेरे ख्याल से मैंने रिवर्स ही अप्लाई कर दिया कि ये देखिए मैंने 101 के केस में मेरे पास 111 आ रहा था, तो मैंने अपोजिट वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, ग्रे टू बाइनरी वाला। तो आप लोग इसको काइंडली रिविजिट कर लीजिएगा कि बाइनरी कोड से ग्रे कोड कैसे आते हैं। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर कि कोड कैसे आते हैं, कोड आ गए हमारे पास। अब कोड तो आ गए हैं, अब कोड के बाद काम क्या है कि वही वाली बात, फ्लिप फ्लॉप मैंने दे दी सबसे मुश्किल वाली जे के। अब चूंकि 3 बिट का है तो 3 बिट का मतलब है के जे और के हर फ्लिप फ्लॉप के लिए आएंगे, जे क्यू टू भी आएगा, के क्यू टू भी आएगा, जे क्यू वन भी आएगा, के क्यू वन भी आएगा, जे क्यू जीरो भी आएगा, के क्यू जीरो भी आएगा। और आपको पता है ये वैल्यूज कैसे आई, ये रहा एक्साइटेशन टेबल आपके पास, आपने इसे स्टेप बाय स्टेप कंपेयर किया। कैसे कंपेयर किया, मेरे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है, मैं दिखा देता हूँ कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कैसे कंपेयर किया। के पहले मैंने कंपेयर किया, ठीक है, इस कॉलम को, मैंने इस कॉलम को कंपेयर किया, इस पर्टिकुलर वन को कंपेयर किया, फर्स्ट वाले को फर्स्ट से कंपेयर किया, 0 0 आ रहा था, मैंने देखा 0 0 के केस में भाई मेरे पास क्या आता है, वही फार्मूला फिर से 0x, तो मैंने इधर 0 और x लिख दिया। इसी तरीके से मैंने आठों को चेक करा और आठों की आठों वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैंने दूसरे को टेस्ट किया, ठीक है, जब मैं Q1 पर आया तो Q1 पे भी मैंने यही किया, किसी भी वैल्यूज को टेस्ट कर सकता हूँ मैं, रैंडम ले लेता हूँ उसे। इसको मैंने टेस्ट किया, इधर 1 है, इधर 1 है, तो 1-1 के केस में क्या आना चाहिए, 1-1 के केस में क्लियरली मुझे पता है कि इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, तो मुझे लिखना है X0। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, इस जगह पे मैंने क्या लिखा हुआ है X और इस जगह पे लिखा हुआ है 0। ठीक है, मैं रैंडम वैल्यूज लेके बता रहा हूँ, आप हम पहले कर चुके हैं तो आप सारी वैल्यूज को इसी तरह क्रॉस चेक कर सकते हैं। फिर इसी तरह क्या होगा कि मैं यही काम Q0 के लिए भी कर लूँगा, Q0 के लिए जब कंपेयर करूँगा तो इधर भी एक वैल्यू करके बता देता हूँ कौन सा कॉम्बिनेशन, ये ले लेते हैं, ये आ गया 1 और ये आ रहा है 0, तो 1 और 0 वाला कोड मैंने यहाँ से पिक किया, 1 है, इधर से देखा 0 है, तो इस केस में आना चाहिए एक्स एंड 1। तो इसके अगेंस्ट देखिए मैंने क्या प्लेस किया हुआ है, ध्यान रहे मैं जे क्यू जीरो और के क्यू जीरो में प्लेस करूँगा, क्यू वन वालों में और क्यू टू वालों में प्लेस नहीं करूँगा, तो ये प्लेस होगा। जब ये इसी तरह पूरा फिल कर लेंगे तो फिर आपको पता है अगला स्टेप क्या बचता है, जब आपके पास जे के सब आ चुके हैं तो अब अगला स्टेप यही है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है और जे के की सारे तीनों जे के की इसकी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो कितने का के मैप बनेगा इसमें, ये आसान रखा हुआ है थोड़ा, इतना मुश्किल नहीं किया, क्योंकि 8 कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, 3 बिट का है, तो 8 बिट या 8 सेल वाला ही आपके पास के मैप बन जाएगा। तो के मैप जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये इक्वेशंस आ जाएंगी, और जब इक्वेशंस आ जाएंगी तो इक्वेशन के बाद क्या बच जाता है, आपको इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ डायग्राम में इस तरीके से कन्वर्ट करना। तो आप इस तरीके से फिर इसको सक्सेसफुली डायग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। डायग्राम को कहा जाता है हार्डवेयर रियलाइजेशन, तो इस वर्ड से फेमिलियर है, मैं ये वर्ड यूज़ करता हूँ एग्जाम में, क्विज वगैरह में, तो हार्डवेयर रियलाइजेशन। ठीक है, इक्वेशन बड़ी सिंपल थी, थोड़ा सा आपको मैं ड्रॉ भी करके बता देता हूँ कि भाई देखें, 3 फ्लिप फ्लॉप रख ली मैंने, ये मेरी क्यू नॉट है, क्यू नॉट का मतलब है ये मेरी LSB वाली है, LSB है, और ये मेरी MSB है। ठीक है, ये LSB है, ये MSB है, तो LSB वाली इक्वेशन ये है, LSB वाली इक्वेशन क्या कह रहे हैं, J पर तो भाई आना चाहिए क्यू नॉट जोर या XNOR हुआ हुआ है, कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है, तो ये आना चाहिए आगे वाली दोनों का, यानी 2 और 1 का। तो आप देख सकते हैं ये 1 वाली लाइन मैंने यहाँ से पिक करी, ये यहाँ से ले गया और ले जाके इसमें लगा दिया। ठीक है, दूसरी लाइन कह रहे हैं कि आप
Q2 भी लेके चलें तो Q2 भी मैं यहाँ से लेके गया हूँ, और यहाँ से ले ले जाके मैंने इसमें लगा। ठीक है, तो ये तो जे जे है और क्यू जीरो का है, तो ये जे की इक्वेशन टू भी। सिमिलरली के जीरो पे क्या कह रहे हैं आपको, जोर करना है, एक्स नॉट नहीं करना, तो आपने यहाँ जोर गेट लगाया और यही दोनों इनपुट्स आपने यहीं से इसमें भी फैड कर दी। ये यहाँ आ गया और ये वाला इनपुट यहाँ, फर्स्ट स्टेज की इक्वेशन क्लियर हो। दूसरे स्टेज की बात करें, अगर दूसरे स्टेज की इक्वेशन क्या है, ये है जी जे क्यू वन की इक्वेशन, क्या है क्यू टू का बार चाहिए यानी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म, और क्यू नॉट ऐसे ही चाहिए। तो क्यू नॉट तो इसको जे को ऐसे ही चाहिए, तो क्यू नॉट तो ये आ गया डायरेक्टली। ठीक है, और क्या कह रहे थे, क्यू टू का बार चाहिए, क्यू टू का बार ये रहा मेरे पास, तो मैं यहाँ से इसको मूव करके यहाँ पे ऐसे ले जाके ये लगा दी। दोनों का एंड हो रहा था, दोनों का एंड किया और जे पे सप्लाई कर दिया, तो ये जे की वैल्यू आ गई। ठीक है, लेकिन अगली के क्यू वन के ऊपर क्या कह रहे हैं, क्यू टू का बार नहीं चाहिए बल्कि क्यू टू चाहिए विथ क्यू नॉट। तो क्यू नॉट तो मैंने एज इट इज यहीं से पिक कर लिया, और क्यू टू कहाँ से आया, ये ऊपर से मेरे पास वायर गुजर रही थी, मैंने यहीं से इसको पिक किया, यहाँ से पिक किया और एज इट इज इसको ला के यहाँ लगा, और यहाँ से फिर मेरे पास के की वैल्यू भी आ गई। दोनों एंड हो रहे थे तो सिंपली एंड कर दी, तो मेरे पास इस तरह जे क्यू वन और के क्यू वन की इक्वेशन से डायग्राम बन गई। सिमिलरली अब यही काम मुझे करना है जे क्यू टू के लिए। तो जे क्यू टू क्या कह रहा है, क्यू वन और क्यू वन एंड क्यू नॉट का बार। तो क्यू वन तो मेरा यहीं से डायरेक्ट आ रहा था, मैंने यहीं पर डायरेक्ट लगा दिया, लेकिन क्यू नॉट का बार जो है मुझे लाने के लिए पीछे जाना पड़ा, और मैं यहाँ से थोड़ा सा रफ बना रहा हूँ लेकिन आप समझ जाएंगे कि ये किस लाइंस को फॉलो कर। तो ये तो आ गई भाई जे क्यू टू की इक्वेशन, ये यहाँ आ गई, ये जे क्यू टू हो गया। और के क्यू टू क्या कह रहा है, क्यू वन का बार चाहिए इसको, क्यू वन नहीं चाहिए बल्कि क्यू वन का बार चाहिए, और क्यू नॉट वैसे ही चाहिए। तो क्यू नॉट तो इसको वैसे ही चाहिए था, तो क्यू नॉट मैंने ऐसे ही सप्लाई कर दिया यहाँ से, क्यू नॉट तो यही आ रहा था, और क्यू वन का बार यहाँ से आ गया, और ये फाइनली मेरे पास इसमें इनपुट हो गया, तो ये के की इक्वेशन भी आ गई। तो इस तरीके से आप फ्लिप फ्लॉप से सिंक्रोनस काउंटर की डायग्राम बनाते हैं। सिंक्रोनस से कैसे पता, क्योंकि इसकी सबकी क्लॉक्स आप देख सकते हैं सेम है, ये सिंक्रोनस काउंटर नहीं है, ये सिंक्रोनस काउंटर है। ठीक है, और ये सिंक्रोनस काउंटर भी हो सकता है, या अगर आपको कोई डायग्राम गिवन हो तो सिंथेसिस का प्रोसेस भी बिल्कुल ऐसे होता है। सिंथेसिस के लिए डायग्राम भी जब आप ड्रॉ करते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही ड्रॉ होंगी। ठीक है, आप फ्लिप फ्लॉप को प्लेस करेंगे, सबकी क्लॉक कॉमन करेंगे, और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारी इक्वेशन इसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो सिंथेसाइज करना हो या सिंक्रोनस काउंटर बनाना हो, क्योंकि सिंक्रोनस काउंटर भी सिंथेसिस के प्रोसेस से गुजरता है, इज एन स्पेशलाइज फॉर्म ऑफ सिंथेसिस कह सकते हैं, तो आप इन स्टेप्स के थ्रू कर सकते हैं और बिल्कुल इसी तरह से डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे किसी को कोई क्यूरी नहीं होगी, लेकिन अगर होती है तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं ग्रुप पर, क्लासरूम में नहीं। ठीक है, तो काइंडली ग्रे कोड वाला जो है आप देख लीजिएगा, या मैं काम करता हूँ यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ और फिर आपको वो ग्रे कोड वाली चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, ये क्लियर कर देता हूँ और वापस हम पिछले पेज पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ से भी होके गुजर गए थे, और यहाँ पे मैं ग्रे कोड वाली चीज़ आपको बता देता हूँ इससे पहले। अच्छा, क्लास इसको रिज्यूम कर लेते हैं। थोड़ा सा ना यहाँ पे एक मिसकंसेप्शन सा हो गया था, और मिसकंसेप्शन ये था कि ये जो मेरे पास टेबल बना हुआ है ये पूरा का पूरा ग्रे कोडेड है, इसमें बाइनरी कहीं पर भी नहीं है। तो बाइनरी कन्वर्ट मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है, बाइनरी कन्वर्ट में ऑलरेडी कर चुका हूँ, और वो चीज़ कैसे वेरीफाई हो सकती है, मैंने कोड लिया था 101, मैं सही कन्वर्जन कर रहा था, वो बाइनरी टू ग्रे किया, ये 1 डायरेक्टली मेरे पास एज इट इज आ जाता है, और बाकी सारी टर्म्स जोर होती हैं, तो 1 ऐसे ही आ गया। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड टर्म को जोर किया, 10 इज 1, और फिर इसको किया 01 इज 1। तो ये जो है मेरा फिफ्थ कोड इन अ सीक्वेंस बनेगा, यानी फिफ्थ नहीं, यानी 5 का कोड क्या होता है, 5 का कोड बनता है एक्चुअली ये प्लेस पर आ रहा है, यानी थर्ड लास्ट कोड जो होगा मेरा इस सीक्वेंस में, वो आप देख सकते हैं क्या आया हुआ है, ये आया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी सीक्वेंस लिखी हुई है, थर्ड लास्ट कोड मेरा क्या आया हुआ है,
ये आया। इसी तरह मैं 000 को कन्वर्ट करके देख सकता हूँ, 000 अगर मेरा बाइनरी है तो इसका ग्रे क्या आएगा, 0 एज इट इज 0 आ जाएगा, और उसके बाद मैं जोर करूंगा तो 0 का 0 ही रहेगा, फिर 0 का 0 ही रहेगा, और फिर 0 का 0। तो आप देख सकते हैं जो सबसे पहला बाइनरी कोड है उसका कन्वर्टेड ग्रे कोड क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। और अगर सेकंड को चेक करना चाहूँ, 001 की बात कर लें या 010 ले लेता हूँ, मैं ले लेता हूँ 010 ले लेता हूँ, 011 का भी वही आ जाएगा, ये ले लेते हैं। अगर इसको करूँ तो इसमें आप देख सकते हैं ये कोड है वैसे कौन सा वाला मेरा, मेरा ये कोड होता है नॉर्मली प्लेस कौन से प्लेस पर होता है, थर्ड पर, ठीक है। तो मुझे अब ये चेक करना है कि ये जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो इससे मैच होना चाहिए, ये रिजल्ट इसके साथ मैच होना चाहिए। तो ये जब मैंने कन्वर्ट किया, 0 एज इट इज़ आ गया, 01 का जोर लिया तो 1 आया, फिर 1 और 0 का जोर लिया तो 1 आया। तो आप देख सकते हैं कि ये मैच हो रहा है, तो कन्वर्जन सही की थी मैंने, ठीक है। लेकिन बात सारी ये है कि ये कोड पूरा का पूरा ऑलरेडी ग्रे कोड में ही लिखा हुआ है, ठीक है, बाइनरी की सीक्वेंस में ज़रूर लिखा गया है, ठीक है। बाइनरी के सीक्वेंस से क्या मुराद है, अगर आप सीक्वेंस को ध्यान दें तो वही कि हम फेमिलियर हैं, कन्वेंशनल सीक्वेंस हमारी ये वाली है मीन्स कि हम स्टार्ट होते हैं 000 के कोड से, ठीक है, और जाते हैं ऑनवर्ड 111 तक। तो ये लिखा हुआ बाइनरी सीक्वेंस में है, लेकिन हम इसको एज्यूम करें एज ग्रे कोड, और इसके अगेंस्ट जो नेक्स्ट स्टेट लिख रहे हैं वो कहाँ से देख के लिख रहे हैं कि अगर 000 का कोड आया तो भाई नेक्स्ट स्टेट कहाँ होगी, हमने इस डायग्राम में जो ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं पहले उससे देख के लिख लिया कि 1 आएगा। फिर इसी तरह हमने कहा भाई 001 अगर आया हुआ तो उसकी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, हमने यहाँ पे देखा भाई ऑलरेडी ये कन्वर्टेड है, ये इसके बाद वाली स्टेट जो है 3 वाला कोड आएगा। फिर हमने देखा भाई यहाँ पे क्या आएगा, हमने ये वाली स्टेट को चेक किया। अब देखो मैं कौन सी चेक कर रहा हूँ, 10 को चेक कर रहा हूँ, 11 को चेक नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट यहाँ चला गया, मैंने कहा यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ 10 तो इसके अगला कोड क्या आएगा, 110 आएगा। तो मैंने इसको लिखा हुआ इन बाइनरी सीक्वेंस है, लेकिन उसके अगेंस्ट जब नेक्स्ट स्टेट पर आ रहा हूँ तो इस स्टेट डायग्राम को देखते हुए जो मैंने इनिशियली कन्वर्ट कर लिए उससे कोड लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कन्वर्टेड है ऑलरेडी, यूँ समझ लो कि सब के सब कन्वर्ट हुए हुए हैं, और मैं पूरी की पूरी एग्जाम्पल ग्रे कोडेड फैशन में ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। बाइनरी से ग्रे में करके पहले पहला स्टेप मैंने ये किया कि ये स्टेट डायग्राम बना ली मैंने पूरी की पूरी, ठीक है। और फिर इसी स्टेट डायग्राम में जाहिर सी बात है 8 कोड्स हैं, अब वो मैं चाहूँ तो इधर किसी भी सीक्वेंस में लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं किसी में भी लिख सकता हूँ। लेकिन मेरे लिए आसान था कि मैं अपनी वही बाइनरी वाली सीक्वेंस लिखूँ, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब मैं के मैप में प्लेसमेंट करूँगा तो मुझे पता है कि ये वाला पहला है, ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, यानी ये 0 है सेल के अंदर, ये 0 वाली वैल्यू है सेल के अंदर, 1 वाली वैल्यू है सेल के अंदर, 2 वाली है। तो यहाँ पे बाइनरी सीक्वेंस रखने का फ़ायदा ये हुआ कि के मैप में जब मैं प्लेस करूँगा तो मुझे पता है, पता रहेगा कि मैं कौन से नंबर को कौन से सेल में प्लेस करूँ। बाइनरी सीक्वेंस में ही होते हैं ना, या ग्रे में रख देता तो फिर ग्रे में फॉलो कर लेता, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन कन्वेंशनल फॉलो किया, सीक्वेंस अरेंज हुई हुई है बाइनरी फैशन में, लेकिन हम जो एग्जाम्पल कर रहे हैं वो इस ग्रे वाली सीक्वेंस डायग्राम को या स्टेट डायग्राम को देखते हुए, ठीक है। होपफुली अब ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये सब पहले से ही कन्वर्टेड हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद तो स्टेप्स हमने फॉलो कर ली, ये आ जाएगा क्लिक करके, और फिर के मैप, और के मैप में देख सकते हैं आप प्लेसमेंट हमने जो की है वो वैसी की हुई है, ठीक है, उसी व्यू पॉइंट से। तो हमारे लिए आसान रहेगा क्योंकि हम शुरू से ही इस बात से यूज टू हैं कि हम बाइनरी सीक्वेंस के लिहाज से के मैप में प्लेसमेंट करते हैं, बस लास्ट टू को स्विच कर देते हैं ग्रे है। आप चाहें तो इसको ग्रे में अरेंज कर सकते हैं, फिर आपको ये स्विचिंग ही नहीं करनी पड़ेगी लास्ट और सेकंड लास्ट और, लेकिन अब वही बात है एंड में आखिरी एग्जाम्पल में आके हम ये करेंगे तो हम कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो बेहतर हम वही बाइनरी सीक्वेंस फॉलो करें और जस्ट लास्ट टू कॉलम या लास्ट टू रोज को स्वैप करें, एंड देन दिस इज द डायग्राम। और यहाँ पे हमारा होपफुली लेक्चर कंक्लूड, तो लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड हो गया। तो नेक्स्ट टाइम साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज। कोई क्यूरीज हो तो मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं।